हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हम देखते हैं कैसे इस दुनिया में आदमी कोई भी चीज से आकर्षित हो जाता है, वो लेकिन वो चीजें स्थायी भाव से उसको सुख नहीं दे पाती। आदमी कुछ लोगों से रिश्ता बनाता है, शुरू में थोड़ा आनंद भी आता है, लेकिन जो ध्यान पूर्वक पूरे तत्व को नहीं समझता है और ऐसे बस रिश्ता बना लेता है किसी से, फिर वो जाके रिश्ते कष्ट का कारण बनते हैं। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति गुणवान थी और सुरुचि बहुत सुंदर थी। तो राजा उत्तानपाद ज्यादा आसक्त हो गए किससे? सुरुचि से। इस दुनिया में हम लोग भी अगर ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है हम लोग शरीर के स्तर पर किसी आसक्त, कोई सुंदर है, कोई तो बहुत पैसे वाला है, ये सब शरीर के गुण है, भौतिक गुण है, तो बहुत आसक्त हो गए वो। और अच्छा भी लगता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, उनसे उनको पुत्र भी हो गया। पुत्र का नाम हुआ उत्तम, और सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव महाराज। अब बच्चे लोग तोतली बोली बोलते थे, बड़ा अच्छा लगता था, पत्नी भी उनको वो सेवा कर, सब अच्छा लगता था, दो दो पत्नी, सब कुछ अच्छा लग रहा था जीवन में। लेकिन इस जीवन में जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा, तब तक आप कहीं पर भी आपकी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि भगवत प्रेम हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है, बाकी सब प्रेम में थोड़ी गड़बड़ी है। तो अपनी पत्नी से वो बता सकते, अब वो जब राज सिंहासन में बैठे थे तो फिर एक तरफ कौन आके बैठ गए, उत्तम बैठ गए, और दूसरे तरफ ध्रुव भी बैठना चाहते थे, और वो भी बिठाना चाहते थे बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को गोदी में बिठाने का बड़ा आनंद होता है, उसके मुंह को चूमने में बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन जब बेड से बिठाने वाले थे, तब तक सुरुचि ने इशारा कर दिया कि इसको आप नहीं बिठा। अब वो चाहते थे बिठाना, लेकिन बिठा नहीं सकते। अब उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, बेटे का हृदय टूट रहा है, लेकिन क्या करें, वो बेटा का छोटा हृदय पता है टूट जाएगा। लेकिन इस दुनिया में एक आदमी को खुश करने के चक्कर में आप, लेकिन आप सबको नहीं खुश कर सकते। इस दुनिया का प्रेम, किसी एक से प्रेम करे तो फिर दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बाधा है समय की, इसको प्रेम करेंगे तो समय नहीं दे पाएंगे, या इसको ही आदमी अच्छा नहीं लगता है, इसको प्रेम करेंगे तो गाली देगा, ये प्रेम करेंगे वो गाली देगा। तो इस दुनिया में आप अगर भगवान कृष्ण को छोड़ के किसी से भी प्रेम करते हैं, तो वो आपको पूरा संतुष्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आप खुद कमजोर हैं, आपको इच्छा है कोई मेरी सेवा करे, मेरे को कुछ हेल्प करे, और आप कमजोर हैं, और दूसरा आदमी भी आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। सुरुचि थोड़ा सेवा करे थे, लेकिन उसको बेटे से ही प्रेम की आसक्ति थी, लेकिन ये गुस्सा हो रही है कि उसके साथ उसको तुम गोदी में नहीं बिठा सकते। तो इस प्रकार से दुनिया में अगर पूर्ण रूप से संतुष्ट होना है, अगर वो सुरुचि के प्रेम से पूरा संतुष्ट होता तो बेटे को बिठाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उसको बेटे को बिठाने की इच्छा है। तो इस दुनिया कोई भी प्रेम आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं, एक ही प्रेम है जो पूर्ण रूप से हृदय को संतुष्ट कर सकता है, वो जब कृष्ण से आदमी प्रेम करेगा। इसलिए जीवन में प्रेम तो करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य है उस प्रेम से, उस भगवान के प्रेम को उदित करना। अरे कैसे संभव है? कलयुग में बहुत आसान तरीका है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप भगवान के प्रति प्रेम को नहीं उदित करेंगे, तो फिर इस दुनिया के आप कभी भी, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, भौतिक प्रेम के लिए आप पागल हो सकते हैं, कभी भी कितना भी आप धोखा खाएं, तो आदमी अगर किसी एक आदमी से रिश्ता करके वो कष्ट पा रहे, फिर वो करेगा।
प्रकार से माताएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको बच्चा तो बहुत कष्ट होते, वे बोलते आप कभी बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो बच्चा करते, समझ रहे। वैसे दुनिया में भोग वासना ऐसी है कि आदमी कितना भी प्रयास करे छोड़ने का, लेकिन फिर वो कितना भी उसको कष्ट मिले रिश्ते में, उसका दिल टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन फिर वो उसी के पीछे भागेगा। इसीलिए हमें अगर कृष्ण से रिश्ता जोड़ देंगे तो फिर और किसी के पीछे भागने की इच्छा, शास्त्र बोलता है जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण के प्रति अपना प्रेम। जब कृष्ण से आप प्रेम कर लेंगे तो हृदय पूरा संतुष्ट हो जाता है, तब आप सबकी सेवा करने की सोचते, चलो इसको भी कृष्ण प्रेम, इसको भी मदद करूं, जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो आप दूसरों की सेवा करने का, दुनिया का सब व्यक्ति सोचता है लोग मेरी सेवा करें, मेरे को भोग चाहिए, मेरे को भोग चाहिए, मेरे को, लेकिन भोग कितना ही मिल जाए संतुष्ट होने वाला। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो उपाध ने बड़ा सरल तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने विधि दे दी है, बस आपको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु बोला कीर्तन या सदा, बस भगवान का नाम रटते जाओ, अपने आप भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप सब गंदगी खत्म हो जाएगी। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, भवमहादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदामृतिवर्धनम, पतिपदां पूर्णावृत साधनम, सर्वात्मस्नपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस प्रकार से भगवान का नाम चेतो दर्पण मार्जनम, जो गंदगी है भोग भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी चेतो दर्पण। तो इसीलिए हमें ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए, रोज भगवान का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद ने इसको और सरल बना दिया, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सोल आप कीर्तनिया सदा हरी, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कीर्तनिया सदा हरी, लोग दिन भर जब करेगा होगा कि दिन को ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। तो बोला ठीक है 16 माला ही, तो ये 16 माला जो प्रभुपाद ने बोली इसमें बड़ी शक्ति है, क्योंकि एक आचार्य ने बोला है इसलिए कोई ध्यानपूर्वक 16 माला करेगा तो उसको तुरंत ही उसका भगवान के प्रति प्रेम उदित होना चालू हो जाएगा। आइए हम लोग सभी सोलह माला करते हैं, हरे नाम प्रभु की जय।